मैं तो आज सुबह से 5 कार्यक्रम में भाग लेते हुए छठे कार्यक्रम में आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, और यहां के बाद अगला कार्यक्रम दानापुर में भी है, वहां भी जाना है। तो मैं तो सिर्फ आपके दरबार में अपनी हाजिरी दर्ज कराने आया हूं, और ये निवेदन और प्रार्थना करने आया हूं कि आप हम लोगों के उम्मीदवार, महागठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार सिद्धार्थ को हाथ का बटन दबाकर विजयी बनाइएगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करिएगा। देखिए, हम काम के आधार पर वोट मांगने आए। भाजपा के लोगों की राजनीति अलग, वो तरह तरह का वादा करते और चुनाव के बाद वादे को भूल जाते। हमने 10 साल काम किया, आगे जो काम करने का मेरा निश्चय है उसको जानकर और आपको वो पसंद आए तो फिर हमारे उम्मीदवार को आप विजयी बनाइए, ताकि उन चीजों को बिहार में लागू करके बिहार के विकास की गाड़ी को और तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके, विकास का लाभ सबको मिले और विकास की रोशनी बिहार के हर कोने में फैले, हर इलाके का विकास। और इसी रास्ते पर हमने चलने की कोशिश की, समाज में प्रेम और सद्भाव का माहौल कायम किया, कानून का राज कायम किया। आज हमारे बिहार में सद्भाव है। मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि ये जो प्रेम और सद्भाव का माहौल है, इसको हर सूरत हाल में बनाए रखिएगा। आजकल जान लीजिए बहुत कन फुकवा घूम रहा है, क्या पता कान में क्या फूकेगा। जानते हैं, कभी इधर हड्डी फेंक देता है, कभी उधर हड्डी फेंक देता है, कभी सुअर काट के फेंक देता है, कभी मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति को कुछ नुकसान पहुंचा देता है ताकि झगड़ा हो। हम विनम्र प्रार्थना करेंगे, दशहरा और मुहर्रम एक साथ आ रहा है, सद्भाव के माहौल को कायम रखिएगा।